गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू केमिस्ट्री क्लासरूम रूम अगेन टूडे डिस्कस मेंशनिंग द स्टेट्स ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स द स्टेट ऑफ ईच रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इज मेंशन अलोंग इट यूजिंग मेन्शन अलॉन्ग विम्बॉल्स नॉर्मली केमिकल रिएक्शन में जो रिएक्टेंट भाग ले रहा है और नया प्रोडक्ट जो फॉर्म हो रहा है उन लोग अपना स्टेट ऐसी सिंबल के द्वारा एक्सप्रेस करते हैं फॉर द सॉलिड स्टेट एस एल फॉर लिक्विड स्टेट g for the gaseous state and aq for the aqua solution when these symbols are used a downward arrow for a precipitate and an upward arrow for a gas on the product side are not used instead we use s for solid state and the downward arrow for precipitate and g for gas so these are the common symbols which are used in the chemical equation. Next, mentioning the name and color of a substance if needed. If required, the name of elements, color of a substance, it will be mentioned in chemical reaction. The name and or colour of a substance is mentioned if needed. Below the symbol. फॉर्मूला ऑफ द सब्सटेंस इन द इक्वेशन द नेम आउट साइड एंड द कलर विद इन ब्रैकेट सो नॉर्मली केमिकल इक्वेशन में अगर हम लोगों का नाम और कलर लिखना जरूरी हो तो हम लोग बाहर वाले साइड में उसका नाम और ब्रैकेट में उसका कलर लिख सकते हैं एग्जाम्पल्स द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स विल सो हाउ इन्फॉर्मेटिव अ केमिकल इक्वेशन बिकम्स When we include the points mentioned above, hydrogen react with chlorine in the presence of light to form a hydrogen chloride gas. So we have to write in this way: hydrogen that is gas, chlorine as well as gas. So we have to write in the bracket their state. Light it is a condition we have to write down the before arrow. Same way to HCl that is gas. मिक्सचर ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन द वॉल्यूम ऑफ रेशियो टूज्लोरेड टू फॉर्म वाटर वेपर मतलब अगर हाइड्रोजन को जलाएंगे तो नॉर्मली दे कंबाइन टूगेदर टू फॉर्म वाटर सो इन केस ऑफ हाइड्रोजन दट इज गैस ऑक्सीजन गैस इज राइड इन द ब्रैकेट इग्नाइट मतलब थोड़ा आग जला रहा है तो फॉर्म क्या कर रहा है टू एच टू दैट इज गैस Next, soda solid potassium chlorate, when heated at 200 to 300 degrees Celsius in the presence of manganese dioxide as a catalyst, gives oxygen, leaving behind a residue of potassium chloride. So normally, agar ham potassium chlorate ko टू हंड्रेड से लेकर थ्री हंड्रेड डिग्री सेल्सियस तक हीट देंगे और एम एन ओ टू आई मीन मैंगानी डाइऑक्साइड को कैटलिस्ट की तौर पे यूज कर सकते हैं तो नॉर्मली ऑक्सीजन फॉर्म होगा और उसके साथ पोटासियम क्लोराइड जो है वो मतलब वेस्ट प्रोडक्ट के हिसाब से रह जाएगा नेक्स्ट कार्बन डाइऑक्साइड टर्स लाइम वाटर मिल्की कैल्शियम हाइड्रोक्साइड दैट इज एक्वा सॉल्यूशन लाइम वाटर जिसको बोलते हैं प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस फॉर्म क्या कर रहा है कैल्सियम कार्बोनेट दैट इज सॉलिड आई मीन कैल्सियम हाइड्रोक्साइड के अंदर अगर कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग घुसा देंगे तो दैट इज टार्निंग टू मिल्की कैल्सियम कार्बोनेट दैट इज सॉलिड इन स्टेट सेम है एच टू ओ लिक्विड वाटर फॉर्म करता है नेक्स्ट ए बर्निंग पीस ऑफ मैग्नीशियम कंटिन्यूज टू बर्न इन ए जार फॉर अ कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्मिंग व्हाइट स्मोकी मैग्नेशियम ऑक्साइड विथ सम ब्लैक कार्बन पार्टिकल्स तो नॉर्मली कार्बन डाइऑक्साइड अगर एक कंटेनर में रखा गया है उसके अंदर हम लोग मैग्नेशियम को जला सकते हैं तो फॉर्मिंग व्हाइट स्मोकी मैग्नेशियम ऑक्साइड तो नॉर्मली मैग्नेशियम ऑक्साइड फॉर्म करेगा प्लस उसी के साथ कार्बन पार्टिकल्स इस प्रोडक्ट के हिसाब से फॉर्म हो सकता है तो नॉर्मली टू एम जी दैट इज सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड दैट इज गैट गैस एरो के ऊपर लिख रहा है मतलब कंडीशन बार मतलब जला रहा है फॉर्म हो रहा है क्या व्हाइट स्मोकी आई मीन सॉलिड फॉर्म हो रहा है मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस कार्बोन दट इज ब्लैक इन कलर स्टूडेंट आई होप ऑल ऑफ यू द्वारा होल चैपचर नाउ आई विस्कस द शॉर्ट टाइप क्वेश्चन फॉर द एग्जाम ऑनली सो लू कैट द एक्सरसाइज चूज द करेक्ट ऑप्शन Which of the following symbols is not derived from the Latin name of the element? So, here are four options: ferrum, cuprum, and the plumbum. The answer will be chromium. Which of the following symbols is derived from the Latin name of the element? Latin name second, Argentina, AG. Which element among the one appearing below is pentavalent? There are four option, but answer will be phosphorus pentachloride. What is the valency of magnesium in Mg3N2? All of you know the valency will be exchange. So here as the valency of magnesium is 2. Next, what is the value of X in the following equation? Calcium carbonate plus 2HCl. For what? Either they कैल्शियम क्लोराइड अगर टू इधर नहीं बिठाएंगे तो क्लोराइड के लिए मतलब सीएल के लिए टू नहीं आएगा और इधर एच टू है दैट्स वाई वी हैव टू प्लेस यू टू एच सी एल टू क्लोरिन टू हाइड्रोजन दैट्स वाई दैट इज द बैलेंस इक्वेशन सो आंसर विल बी टू नेक्स्ट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन आंसर विल बी बी क्योंकि यहाँ पे लिखा है टू के सी एल ओ थ्री द नंबर ऑफ एटम्स इज टू in the reactant side but in the product side the number of atoms for potassium is only 1 that's why it is not chemically But that is not chemical balance equation now fill in the blanks nitrogen is trivalent in ain one sulfate radical will take off two टू फॉर्म सोडियम साल्फेट टू एच टू कैटलिस्ट की मैंग से लगा रहा है तो यहाँ पे देखो Na2 लिखा है और इधर Na सिर्फ सिंगल है इसीलिए हमको यहाँ पे 2 लगा रहा है क्योंकि हमको क्लोरीन को भी इक्वल करना है टू एच एन ए सी एल प्लस एच टू प्लस सीओ टू नेक्स्ट टू एन एच सीओ थ्री टू नहीं लगाएंगे तो एन ए टू नहीं आएगा फॉर्म क्या करेगा एन ए टू सीओ थ्री प्लस एच टू प्लस कार्बन डाइऑक्साइड नेक्स्ट ट्रू फॉल्स ओजोन इज अ ट्राई एटोमिक गैस ट्रू द एटोमिसिटी ऑफ सल्फर इज एट बट हियर इज फोर दैट इज फॉल्स One deposit radical, sorry, D positive radical will require only one D negative radical to form a compound. That is true. A noble gas element is monoatomic as well as monovalent. True. A substance in solution is indicated in a chemical equation by the symbol S. A, a substance, sorry, a substance in solution. इज इंडिकेटेड इन ए केमिकल इक्वेशन बाई सिंबल एस एस के द्वारा एक्वा सॉल्यूशन नहीं दिखाया जाता है ए क्यू के द्वारा दिखाया जाता है दैट्स वाई इट इज फॉल्स सो स्टूडेंट आई होप ऑल ऑफ यू यून दर डिस्कस्ड इन एक्सरसाइज सो फॉर दाइजे अप टू दिस पोर्शन